सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल ठंडीखुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। नगर हॉस्पिटल में है और जहाँ पर कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन लगवाई जा रही है। तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर भी वैक्सीन लगवाई जा रही है। वहाँ पर वैक्सीन जो लगाने वाले लोग हैं, जो लगने वाले लोग हैं, जिनको वैक्सीन लगाई जा रही है, उनकी सहायता करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। उन्होंने स्टाल लगा कर रखा है कि जो वैक्सीन लगवाने वाला व्यक्ति है वो बुजुर्ग भी हो सकता है, वो बीमार भी हो सकता है, उसकी सहायता की जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन में सहायता की जाए और उसके बाद भी कोई उसको परेशानी ना आए। लेकिन जैसे ही हम आज हॉस्पिटल में आए गांधीनगर में, तो जहां पर कार्यकर्ताओं ने और हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं, चाहे वो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब थे, सुपरवाइजर साहब थे, या बाकी जो स्टाफ था, उन्होंने ये बताया कि लोग खुशी खुशी आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद कोई परेशानी उनको नहीं आ रही है और लगातार लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं और हम जो हैं उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर, कुछ लोग डरे हुए हैं, जिस तरह बाहर स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या जम्मू में कुछ तरह बढ़ने की सब? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से देश में कोरोना को लेकर कदम उठाए हैं उसकी तो सराहना हमें करनी ही होगी, लेकिन जो वो कहते हैं उस पर भी अमल करना होगा। कोरोना खत्म नहीं हो चुका है, कोरोना से हम बचाव कर रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए हमें दूरी भी बनाकर रखनी होगी, हमें मास्क भी पहनना होगा और हमें कड़ाई से इसका पालन भी करना होगा। कोरोना कभी भी बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोरोना के बचाव के जो प्रावधान हैं वो हमें अपनाने होंगे। धन्यवाद।